जमशेदपुर प्रखंड के केरुआ डुंगरी पंचायत के मुख्य प्रत्याशी कानू मुर्मू ने क्षेत्र के लोगों से मिले और अपने पक्ष में वोट मांगा। वहीं मुख्य प्रत्याशी कानू मुर्मू ने कहा कि पंचायत में जितना विकास होना था नहीं हुआ, केवल लोगों को ठगा गया, आम जनता सरकारी लाभ से वंचित रह गई। यदि मैं जीतता हूं तो पंचायत का स्वर्णगीन विकास करूंगा। मुख्य तना बारे हेजना तना आपे दुख दर्द रे सामिल अकना के पाले बांग कना कथा तो नोवा कना आज 36 केरवा डोंगरे पंचायत का हम लोग का जो पंचायत चुनाव का पदयात्रा आज शुरू कर रहे हैं। आज जनसंपर्क के माध्यम से आज पर्ची बांट कर चुनाव चिन्ह सबको बांट रहे हैं ताकि सभी आदमी जागरूक हो जाए, क्योंकि आप देखते हैं कि अभी 10-11 साल में जो विकास होना था पंचायत का विकास नहीं हो पाया है। आप अभी देख सकते हैं यहाँ पर रोड का क्या स्थिति है, यहाँ पर आवास भी मिला नहीं है लोगों को, पेंशन का समस्या है, यहाँ पर शौचालय का घोटाला हुआ है, तो तमाम तरह की जो यह समस्या है यह भरा हुआ है। यहाँ पर जनप्रतिनिधि कभी भी आया नहीं है, यहाँ उपेक्षित किया गया है, लोग त्रस्त है। तो इसीलिए यहाँ के लोगों का मांग है, हम भी लोगों से ये गुजारिश कर रहे हैं कि और एक बार मौका दीजिए। जो ये सब चीज काम हो सकता था मुखिया पंचायत समिति के माध्यम से, इन्होंने काम नहीं किया, सरकार के योजनाओं को सरजमी पर नहीं लाया, जो भी लाया गया तो उस पर भ्रष्टाचार हुआ। तो इसी बात को लेके मैं दोबारा पंचायत में मुखिया पद पर चुनाव लड़ रहा हूँ। अब मुझे पूरा भरोसा है लोगों का समर्थन मिलेगा, आने वाला दिन सरकार के हर योजना को गांव में लाने का काम करेंगे और नीचे से नीचे लोगों को जो भी दुख तकलीफ है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे।